रेड राइडिंग हुड। जहां धूप की किरणें हीरों की तरह चमकती थी और हंसी के गूंजने की आवाजें चारों ओर सुनाई देती थी, वहां विंटलबेरी नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग मेहनती थे और वहां पर आपको एक भी बुरा इंसान नहीं मिलेगा। पर लाल रंग का लबादा पहनकर घूमते हुए एक शख्स दिखाई देगा। उसे एक नौजवान लड़की पहनती थी और लोग उसे बुलाते थे, हेलो रेड हुड, लिटिल मिस रेड। हेलो, हाय। वो बहुत अच्छी थी और लोग उसे पसंद करते थे। माँ, मैं सामान लेकर आ गई। बढ़िया, ये दादी के लिए है। ओह, ये बात है। रेड हुड की दादी घने जंगल में रहती थी, जहाँ पेड़ बहुत लंबे और डरावने थे। गांव वाले उससे दूर ही रहते थे। उनके लिए कुछ कुकीज हैं। और सुनो रेड, जानती हूँ, जंगली जानवरों से बचकर रहना और सही रास्ते पर जाना। घर आ जाना शाम होते ही। संभल कर जाना मेरी बच्ची। जी माँ। रेड हुड अपने घर से निकली और जंगल की तरफ निकल पड़ी। हाँ? ये आवाज कैसी? वो अपने आप को रोक ना सकी। एक लकड़हारा? हाँ, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम मुझे रेड हुड बुला सकते हो। मैं डेरेक हूँ, यहीं रहता हूँ। यहाँ जंगल में क्यों? मैं एक लकड़हारा हूँ, लकड़ी बेचता हूँ, इसीलिए मुझे यहीं रहना पड़ेगा। तुम सच में एक ईमानदार लकड़हारा लगते हो। कौन कहता है मैं ईमानदार हूँ? तुम भला यहाँ क्या कर रही हो रेड? मैं अपनी दादी को कुकीज देने आई हूँ, वो यहीं जंगल में रहती हैं। बड़ी बहादुर दादी है, जाने से पहले मुझे कुकी दोगी प्लीज? मैं बेईमान लकड़हारों को खाने के लिए नहीं देती। और किसने कहा मैं बेईमान हूँ? ये लो। जंगल खतरनाक जानवरों से भरा है, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़े तो बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। यहाँ ज्यादा शोर शराबा नहीं है, मुझे सुनाई देगा। रेड हुड को सुनकर अच्छा लगा। मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। चलती हूँ बेईमान डेरेक। ठीक है रेड। बड़ी बहादुर लड़की है। रेड हुड अपने सफर पर निकल पड़ी। आओ, ये क्या? ओह, क्या बात है, देखो तो कौन आया है। रेड हुड ने खतरनाक भेड़िये की पूंछ पर पैर रख दिया था। इस जंगल में अकेली कहाँ जा रही हो? मैं अपनी दादी के घर जा रही हूँ। और कहाँ रहती हैं दादी? मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ। रेड हुड जल्दी से सोचने लगी। तुमसे मिलकर उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। दादी ठीक नदी के किनारे रहती हैं। फिर मैं तुमसे लकड़हारे की बू क्यों आ रही है? ओह, मैं उससे मिली, वो मेरा दोस्त है। दोस्त? भेड़िया लकड़हारे से बहुत डरता था। अगर मैं लकड़हारे के दोस्त को नुकसान पहुंचाऊंगा तो गया काम से। लेकिन वो यहाँ नहीं है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मैं पहले निकलता हूँ, वहीं मिलते हैं। वो कूदते हुए नदी के किनारे गया, पर जल्द ही उसे एहसास हुआ यहाँ कोई घर है ही नहीं, उसने मुझे उल्लू बनाया। उसने सबक सीख लिया होगा। किसने बेटा? ओह, कोई नहीं, एक और कुकी ले लो दादी। एक बात कहूँ, मैं रास्ते में एक लकड़हारे से मिली। ओह डेरेक, वो बहुत अच्छा इंसान है। डेरेक के अच्छे स्वभाव के लिए दादी ने उसकी तारीफ की। वो आपको जानता है? उसने मुझे नहीं बताया। उसने दादी को अलविदा कहा और शाम से पहले वो घर पहुंच गई। कुछ दिन बाद वो फिर से जंगल गई। कैसी हो रेड? हेलो बेईमान डेरेक। क्या मैं सच में बेईमान हूँ? हाँ, तुमने झूठ बोला कि तुम मेरी दादी को नहीं जानते हो। मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने तो बस बताया नहीं। ये लो। ओ,
मुझे तो लगा था तुम बेईमान लोगों को खाना नहीं खिलाती। वैसे दादी की मदद के लिए शुक्रिया। रेडहुड ने उसे भेड़िये के बारे में बताया और वो चिंतित हुआ। वो भेड़िया खतरनाक है और तुम्हारे पास कोई हथियार भी नहीं। मेरे हथियार मेरी हिम्मत और तेज दिमाग है। और अगर उसने हमला किया तो क्या अपनी कुकीज से लड़ोगी? मुझे अपनी ताकत पर भरोसा है। और मुझे अपनी खुद पर भरोसा होना चाहिए। जल्दी हो बेईमान डेरेक। जल्दी मिलते हैं रेड। उम्मीद है। उम्मीद है। वो आगे बढ़ी और रास्ते में ही भेड़िया उसके ऊपर झपटा। हेलो। सुनो लड़की, तुमने मुझे उल्लू क्यों बनाया? मैंने उल्लू नहीं बनाया। तुम गलत नदी में चले गए थे। क्या? ये वो नदी है जहाँ सफेद फूल उगते हैं। ये झूठ तो नहीं? ओह, मैं तुम जैसे ताकतवर भेड़िये से झूठ कैसे बोल सकती हूँ। भेड़िया इस तारीफ को सुनकर फिर से गलत रास्ते पर चला गया और रेड हुड जल्दी से अपनी दादी के घर चली गई। एक और जीत। क्या हुआ? कुछ नहीं। रेड हुड जल्दी से निकल गई और लौटने पर वो डेरेक से टकराई। मिलकर आ गई? हाँ, लकड़ी काटना हो गया। हाँ हो गया। अभी तक उजाला है, मेरे साथ घूमने चलोगी? ठीक है। अगले कुछ दिनों तक वो अक्सर कुछ ना कुछ सामान लेकर दादी से मिलने जाती। जब भेड़िया उससे मिलता तो रेड हुड उसे किसी न किसी तरह से उल्लू बना देती और अपनी दादी के साथ बैठकर चाय के मजे लेती। उसके बाद वो डेरेक जंगल में घूमते और खूब मजे करते। डेरेक उसकी समझदारी से प्रभावित था और वो उसके चंचल स्वभाव से खुश थी। लेकिन एक दिन रेड हुड की माँ ने दादी के लिए खुशबूदार केक पैक करके दिया। ये कैसी खुशबू है? डेरेक को खुशबू आई। कुछ मिनट बाद रेड हुड आई और उसका नाक ढका हुआ था। हाय। हेलो रेड, क्या ये खुशबू तुमसे आ रही है? ये केक की खुशबू है। जरा संभल के रहना, अगर तुम इसे लेकर रास्ते से गई ना तो हर भूखा जानवर तुम पर टूट पड़ेगा। ओह डियर, मुझे यकीन है ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो, मुझे पता है तुम हथियार नहीं लोगी, पर ये रस्सी तो ले लो, तुम्हारे काम आएगी। रेड हुड को पता था वो चिंतित है और इसलिए उसने रस्सी ले ली। बाद में मिलती हूँ। मैं इंतजार करूँगा। रेड हुड उसी रास्ते से चलकर गई। एक बार फिर भेड़िया सामने आ गया। वो गुस्से में था। तुमने मुझे बार बार उल्लू बनाया है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये क्या है? उसे केक की खुशबू आई और उसके मुंह से पानी टपकने लगा। सुनो, मेरे पास कुछ स्वादिष्ट क्रीम केक्स हैं। क्यों ना तुम मेरे दादी के घर आते और हम साथ मिलकर खाएंगे। घर कहाँ है? ठीक कोयल के घोंसले के नीचे, जहाँ पीले पेड़ उगते हैं। तो फिर वहीं मिलते हैं। रेड हुड खुशी खुशी चली गई। भेड़िया वहीं खड़ा था। उसे लगता है वो मुझे फिर से उल्लू बनाएगी। इस बार नहीं। वो चुपचाप उसके पीछे चलने लगा, हवा में सूंघते हुए उस खुशबू को जो रेड के आसपास महक रही थी। जल्दी वो दादी के घर पहुंची और भेड़िया पीछे से खुली खिड़की से अंदर आ गया। वो अंदर कूदा और आसपास देखने लगा। दादी वहां नहीं थी। वो पड़ोस के गांव में अपनी सहेली से मिलने गई थी। दादी, मैं आ गई। रेड हुड ने दरवाजा खटखटाया और भेड़िये को इतना समय मिल गया कि वो दादी के कपड़े पहनकर चादर के नीचे छुप गया। आ जाओ। रेड हुड अंदर आई और चादर के नीचे ढके हुए इंसान को उसने देखा। दादी, क्या बात है? ओह, कुछ खास नहीं, थोड़ी ठंड लग रही है। अरे बाबा, उम्मीद है आपको सर्दी नहीं लगी। नहीं, सर्दी नहीं है। रेड हुड चौंक गई क्योंकि उसकी दादी को कम सुनाई देता था। आपने मुझे इतना अच्छे से कैसे सुन लिया? आपके कान बढ़ गए क्या?
थोड़े बहुत, ताकि मैं तुम्हें अच्छे से सुन सकूं मेरी बच्ची। आपने नए चश्मे खरीदे दादी? आपकी आंखें कितनी बड़ी लग रही हैं। ताकि मैं तुम्हें अच्छे से देख सकूं मेरी बच्ची। एक मिनट, आपके दांत कितने बड़े लग रहे हैं। ताकि मैं तुम्हें अच्छे से खा सकूं मेरी बच्ची। भेड़िया उस पर झपटा और उसके ही लबादे में उसे लपेट लिया। मुझे जाने दो। अब मैं पेट भर के खाऊंगा। चलो आग जलाते हैं। लकड़ी कम है और लानी पड़ेगी। तो वो गया और बेचारी रेड हुड डर के मारे कांप रही थी। जब भेड़िया वहाँ से गया तो रेड हुड की किस्मत चमकी और डेरेक वहीं आसपास ही था। उसे जानी पहचानी खुशबू आई। ये खुशबू रेड हुड, पर ये उसके दादी के घर का रास्ता तो नहीं है। हाँ, ये क्या है? डेरेक को लबादे का फटा हुआ एक टुकड़ा मिला। उसे चिंता हुई, उसने खुशबू का पीछा किया और गुफा तक पहुँच गया। हाँ, क्या ये? रेड हुड! डेरेक ने जल्दी से उसे आजाद किया। रेड हुड उसे देखकर बहुत खुश हुई। उसने उसे सब कुछ समझाया। मैं उसे पकड़ के उसका... एक मिनट, अगर वो तुम्हें देखेगा तो भाग जाएगा। मेरे पास एक प्लान है। भेड़िया वापस लौटा और बिना लाल बंडल को देखे उसने आग जला दी। समय आ गया। क्या तुम बड़ी हो गई? क्या? सही कहा, ताकि मैं तुम पर झपट सकूं। लकड़हारे को देखकर भेड़िया चौंक गया। वो डेरेक के चुंगल से आजाद हुआ और वहाँ से भाग गया। चलो रेड। हाय्या! नहीं आओ। हमने कर दिखाया। कहा था ना रस्सी काम आएगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत? कभी भी किसी लड़की से पंगे मत लेना। बाहर निकालो। और इस तरह भेड़िया पकड़ा गया। गांव वालों को वही भेड़िया डराया करता था और अब विंचलबेरी के लोग जंगल में बिना डरे घूमते थे। और रेड हुड और डेरेक का क्या हुआ? अरे वाह, अब तुम और रेड हुड खास दोस्त बन गए हो। अब कुछ ऐसा ही समझिए, है ना मेरी प्यारी रेड? हाँ मेरे प्यारे लकड़हारे। रेड हुड ने साबित किया कि बुराई को हराने के लिए हिम्मत और समझदारी काफी है, पर फिर भी वो डेरेक की सलाह मानती थी। हालांकि डेरेक ने रेड हुड की समझदारी से बहुत कुछ सीखा और उसे उस पर नाज था। और इन दोनों के बीच एक अटूट रिश्ता बन गया।